गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अब बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने सीनियर लीडर मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी है। मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद अखिलेश सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अखिलेश सिंह को पार्टी ने कैंपेन कमेटी यानी कि प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे मदन मोहन झा को ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसी चर्चा पहले से ही थी कि अब उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब सभी कयासों पर दिल्ली से मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधान परिषद में सदस्य भी हैं। उनके चुने जाने की सूचना पार्टी ने दिल्ली कार्यालय के द्वारा दी है। तो कुल मिलाकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस जो है वो पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी मदन मोहन झा को उसने सौंप दी है। अब बिहार में कांग्रेस को आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में मदन मोहन झा काम करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस कदम को बिहार में सवर्ण काट के तौर पर देखा जा रहा है। मदन मोहन झा का नाम अध्यक्ष पद की रेस में कहीं नहीं था, उसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें नेतृत्व देकर सबको चौंका दिया है। पूर्व मंत्री और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मदन मोहन झा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने बेहतर सामंजस्य के लिए चार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की भी तैनाती की है। अशोक कुमार, कौकब कादरी, समीर कुमार सिंह और श्याम सुंदर सिंह धीरज कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के बिहार में कांग्रेस को कैसे आगे ले जाना है इसको लेके जिम्मेदारी जो है अब मदन मोहन झा को दे दी गई है। अखिलेश सिंह प्रचार की जिम्मेदारी देखेंगे। बिहार कांग्रेस में अशोक चौधरी के इस्तीफा देने के बाद से कौकब कादरी को प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से ये जो पद के लिए कुर्सी जो नामों की जो घोषणा होनी थी वो लिस्ट अटकी हुई थी, लेकिन अब जो है कि कांग्रेस आलाकमान ने इस बात की घोषणा कर दी है। मदन मोहन झा पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से।